दोस्तों, मैथ्स और साइंस का पेपर अपलोड करने के बाद, मैथ्स और सोशल साइंस का अपलोड करने के बाद, आज आपके लिए साइंस का पेपर भी आ गया है और ये लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का पेपर है और फाइनल फाइनल से एग्जाम का है। गवर्नमेंट्स का पेपर है, केवीएस का पेपर नहीं है, तो इसलिए केवीएस का पेपर ना समझें। ओके, गवर्नमेंट स्कूल का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ये, और इसके बेस पर आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर्स किस तरीके का आता है। ऐसे कोई और कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि पेपर क्या पेपर यही आएगा, इतने सारे कमेंट मेरे को बहुत सारे आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि यही पेपर आएगा, तो इस वहम में कभी भी मत रहें कि जो लास्ट ईयर पेपर आया था वही पेपर आएगा। उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ये पेपर आपको इसलिए, प्रीवियस ईयर पेपर तो इसलिए होता है सिर्फ आपका ये आइडिया लग जाए कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस लेवल का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें पता चल जाए आपको, इसलिए पेपर अपलोड किया जाता है। ओके, तो कभी भी ये सोच के ना बैठें कि यही पेपर आएगा। ओके, इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं क्योंकि बुक तो वही है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसमें से आ भी सकते हैं। ये पेपर का पैटर्न है जिसमें 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सोशल साइंस का और मैथ्स का पहले से अपलोडेड है, तो आप उसे भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या ऊपर आई का सिंबल नज़र आ रहा होगा वहाँ से मिल जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज ड्राई आइस, शुष्क बर्फ क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। दूसरा था इफ सोयाबीन क्रॉप्स गेट्स लाइट फॉर लेसर पीरियड देन इट्स फोटो पीरियड, देन विच टू प्रोसेस रिलेटेड टू क्रॉप विल अफेक्टेड। यदि सोयाबीन की फसल को इसके दीप्त काल से कम समय के लिए प्रकाश मिले तो फसल से संबंधित कौन से 2 प्रक्रम प्रभावित होंगे। उसके बाद व्हाट इज आयन, व्हाट इज एन आयन, आयन क्या होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 1 मार्क्स में है। बाकी इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और ये बायो का जो मोनरा है, मोनरा किंगडम, तो किंगडम वाले जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से कर लो, कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा किंगडम से रिलेटेड। डायग्राम्स दे रखा और इसके बेस पे आंसर बताना है, ये फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी बतानी है इसमें, और उसके अलावा डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 0.03 सेकेंड्स। इजी क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी ये विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें इसकी डेफिनेशन लिखनी थी, विस्थापन और वेग, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और वेग जो होता है वेलोसिटी। उसके बाद ये डिजीज वाले चैप्टर से क्या मीना चिंतित है कि उसके पड़ोस में कुछ बच्चे अन्य बच्चों की अपेक्षा जल्दी बीमार पड़ते हैं, इसके कोई चार कारण बताइए। अमीना के द्वारा दर्शाए गए 2 मूल्य, तो ये 2 मूल्य जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये अब 20 साल से हटा दिए गए, तो होपफुली ये नहीं आएगा, बाकी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हटा दिए गए इस साल से जो सिलेबस में इन्होंने अपडेट किया है सीबीएसई ने। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग आते रहता है ये। उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और ये भी जी है, त्वरण यानी कि त्वरण फाइंड करना यानी एक्सेलरेशन फाइंड करना, और डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम पीरियड। अगले क्वेश्चन भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये जी हो जाएगा। और उसके बाद केमिकल फार्मूला लिखना है इसमें, केमिकल ये सारे नाम दे रखे हैं सबके, केमिकल फार्मूले लिखने हैं। केमिकल फार्मूला वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको भी केमिकल फार्मूला जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबके केमिकल फार्मूला याद कर लीजिए जितने भी हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, अमोनियम सल्फेट हो गया, जिंक ब्रोमाइड हो गया, जिंक फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये लास्ट ईयर आए थे इस क्वेश्चन। अगर वीडियो फास्ट लगे तो पॉज करके तब आराम से पढ़ लेना। टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैव एटॉमिक नंबर 16 और 19 रेस्पेक्टिवली, कंपेयर देयर वैलेंसी। ये वैलेंसी वाले क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम में आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर आयंस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आयंस, ये कंपेयर करना है। तो ये जो वैलेंसी वाले क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से पहले से प्रिपेयर करके रेडी रहो, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% मिलना है। आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पैटर्न कुछ भी हो सकता है, बट क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। गतिज ऊर्जा यानी कि ये काइनेटिक ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इससे भी रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर आता है, और इससे न्यूमेरिकल भी आता है, तो इस चैप्टर को भी आप अच्छे से कर लेना। 9th चैप्टर आई थिंक मेरे ख्याल से साइंस में। ओके,
तो काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, इसका न्यूमेरिकल और इसके डेफिनेशंस जो भी हैं। उसके बाद ये एम्पलीट्यूड, आयाम की परिभाषा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक छड़ी द्वारा दरी या कारपेट किस प्रकार साफ हो जाता है, व्याख्या की जब उसको हम पीटते हैं तो किस तरह की धूल मिट्टी निकलती है, उस प्रोसेस को समझाना है। उसके बाद स्मॉग कैसे बनता है, धूम कोहरा, और कार्बनिक खेती वर्टिज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला है। वैसे तो एक नंबर में आया था, बट दोनों दो मार्क्स में था, वन मार्क्स में था, वन मार्क्स में, बट फिर भी आ सकता है क्वेश्चन। ये ड्यूटेरियम या ये जो भी है, ये समस्थानिक जो पूछा जाता है आइसोटॉप्स, ये वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इनको भी आप पहले से रेडी करके रखो। ध्यान रखना SA1 SA2 का सिलेबस आता है पूरा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ SA2 ही आएगा। 9th क्लास में SA1 के हर सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप फर्स्ट टर्म का जो भी अपने सिलेबस पढ़ा है वो भी आपको सेकेंड टर्म में आना चाहिए। सोनार का विस्तृत रूप लिखिए, यहाँ सर विस्तृत रूप पूछा हुआ था, बट इसकी पूरी वर्किंग पूछ लेता है, पूरी फंक्शनिंग सोनार की कार्यविधि 5 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको भी अच्छे से रेडी कर लो पहले से। या अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के बीच अंतर जो हो गया, ये बाकी इससे कोई न्यूमेरिकल से बन सकता है तो न्यूमेरिकल से पूछेगा, है ना। ये ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वेव्स के बारे में, जो 3 टाइप्स की जो वेव्स हैं सिलेबस में, 3 या 4 होंगे, देखना 3 टाइप्स की वेव्स तो हैं सिलेबस में आपके, इन तीनों को पढ़ डालो। उसके बाद ये जो डिजीज वाला चैप्टर, बीमारी वाला, इसमें टीकाकरण हो गया, चाहे जो भी है, प्रतिजैविक वायरस जो भी है, ये सारे टॉपिक जो है ना, इसको बिल्कुल अच्छे से रट लो, क्योंकि ये जो चैप्टर है मिनिमम 5 मार्क्स का, नहीं तो 5 to 7 8 मार्क्स में भी आ सकता है ये चैप्टर। तो डिजीज वाला चैप्टर है क्या ऐसा जो आपको, मतलब जो बच्चे जिनके पास होने पर भी लाले पड़ते रहते हैं वो बच्चे आराम से पास हो जाएंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप कर लोगे तो आराम से हो जाएगा, जिससे उसके बाद अभी मैं बताने वाला एक चैप्टर और जहाँ से 5 नंबर का आता है क्वेश्चन, वैक्सीनेशन, ये सारे डेफिनेशंस रट लो अच्छे से। उत्प्लावन बल जिसे बॉयंसी फोर्स कहते हैं या बॉयंट फोर्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है वाला पूरा। कोलाइड के 4 प्रॉपर्टीज बतानी थी, कोलाइड के 4 गुणधर्म, और इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ था जिसमें पूछा था पदार्थ डूबेगा या तैरेगा। उसके बाद इन सबके डेफिनेशन लिखें, तो डेफिनेशन वाले भी क्वेश्चन आता है। अब देखो ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, अगर आप डेफिनेशन ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर उनको याद कर लोगी तो आप इनको डिफाइन कर सकते हो और 5 मार्क्स इजीली आप गेन कर सकते हो। देखो 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन थे और 1 1 मार्क्स से 5 क्वेश्चन, तो 5 नंबर तो आराम से आपको मिल सकते हैं, ये काफ़ी ईजी है। या इनके फंक्शंस बताने थे, तो बायो में ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके बाद मैं अगला पेपर इंग्लिश या जो भी एक दो पेपर बचे हैं उनको भी अपलोड कर दूंगा जल्दी ही, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सिर्फ पेपर ही नहीं, बाकी सिलेबस मैथ्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारा तो कवर नहीं करूँगा, NCERT इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, बट मैं ट्राई करूँगा जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो अच्छे चैप्टर्स हैं उनको मैं अपलोड कर दूँगा सॉल्यूशंस, या पर्टिकुलर क्वेश्चन जो चैप्टर के, जिस भी चैप्टर के जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो समझ में जल्दी नहीं आता उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 10th का तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि 3rd को पूरा कर दिया, सर्कल भी आधा आ चुके और थोड़ा सा बचा हुआ है, उसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस भी एक पार्ट अपलोड हो गया, एक पार्ट में पूरा कवर हो जाएगा, तो धीरे धीरे लगे हुए हैं। मेंसुरेशन भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी फर्स्ट टर्म में भी कुछ चैप्टर्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, आप वो भी देख सकते हो। अब जो 5 नंबर के क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल या ऑक्सीजन साइकिल जो भी है ना, ये कार्बन साइकिल, ये साइकिल वाले जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो आप इसको ना जितने भी डायग्राम्स है और इनके जितने भी नाम हैं, कौन सा फंक्शन कहाँ पे किस तरीके से वर्किंग होती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें याद कर लो, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बिल्कुल बार बार बना बना के, क्योंकि ये वही क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में स्कोर ज़्यादा करवा सकते हैं, या फिर अगर आपकी साइंस वीक है और आप बिल्कुल बस पास पास होना चाहते हैं, ऐसे केस में हैं फंसे हुए, तो ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे आपको पास होने के लिए।
बाकी वीडियो देखने के बाद दूसरों को भी शेयर किया करो, ताकि दूसरों को भी मिल सके, इजीली प्रोवाइड हो सके, जो उनका भी कुछ भला हो जाए। और सबसे खास बात क्या, अगर आप लोग वीडियो देखते हो उसके बाद आपको लगता है कुछ भी बेनिफिट मिला है वीडियो से, तो एटलीस्ट लाइक या कमेंट करके तो बताया करो, कि वैसे पता नहीं चलता आप देख के वीडियोस चले जाते हैं, व्यूज बढ़ते जाते हैं, पता नहीं चलता कि हाँ आपको सच में कुछ बेनिफिट मिला है नहीं मिला। कुछ क्वेश्चन थोड़े से हैवी क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि साइंस में हैवी क्वेश्चंस बिल्कुल थोड़े बहुत तो आते हैं, बिल्कुल हर बार आते हैं, थोड़ा बहुत हैवी क्वेश्चन होगा, लेकिन सारे नहीं होते हैं। बच्चे साइंस से इतना डरते हैं कि कहते हैं मतलब सारे क्वेश्चन टफ होते हैं, सारे टफ नहीं होता, कुछ चीज़ें ईजी भी होती है, कम से कम उन्हें तो पहले पढ़ो। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं, चलिए वीडियो को देख अब देखने के बाद आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी इजीली, और अगली वीडियो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।